वेलकम टू सीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे सूजी का उपमा। ये उपमा बहुत ही टेस्टी और एकदम खिला खिला बनता है। और उपमा को एकदम टेस्टी और खिला खिला बनाने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं ड्यूरिंग द रेसिपी आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए उपमा किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। वेलकम टू। उपमा बनाने के लिए मैंने एक कप कोर्स सूजी लिया है, उसे एक बाउल में ले लेंगे और जिससे हमने सूजी नाप के लिया है उसी कप का नाप लेंगे और पानी हम ले लेंगे। तो 1.25 कप पानी हमें लेना है। आप कप या बॉल जो भी नाप से सूजी लेते हैं वही नाप आपको पानी लेने के लिए फॉलो करना है, तभी उपमा एकदम खिला खिला बनता है। तो 1.25 कप पानी मैंने ले लिया है। अब एक कढ़ाई ले ले और उसमें 1 टीस्पून जितना देसी घी ऐड करें। जब तक घी गर्म होता है हमने जो पानी नाप के लिया है उसे गर्म करने के लिए रख देंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखनी है। घी गर्म हो चुका है तो सूजी को रोस्ट कर लेंगे। सूजी को स्लो टू मीडियम गैस पे रोस्ट करना है। सूजी को इस तरह से आप रोस्ट करके उपमा में ऐड करोगे तो उपमा बहुत ही टेस्टी बनता है। और सूजी को ज्यादा रोस्ट नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही हमें रोस्ट करना है। ये सूजी रोस्ट होके रेडी है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में उपमा बनाना चाहते हैं या रूटीन में ज्यादा उपमा बनता है तो आप इस तरह से सूजी को रोस्ट करके भी बॉटल में भर के रख सकते हो, पर वो ठंडा हो जाए उसके बाद बॉटल में भरे। अब उसी कढ़ाई में हम 1.5 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। उसमें हम सबसे पहले काजू को फ्राई करेंगे। 10 से 12 जितने काजू मैंने लिए हैं इसे एक प्लेट में ले लेते हैं और उसी में हम 10 से 15 जितने मूंगफली के दाने को भी फ्राई कर लेंगे। काजू और मूंगफली हम गार्निशिंग में यूज करेंगे, ऑप्शनल है, आप ना ऐड करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मूंगफली को भी हम काजू के साथ ले लेंगे। गरम ऑयल में हम राई ऐड कर देंगे। राई कंप्लीटली ऑप्शनल है, कई लोग सिर्फ जीरा भी यूज करते हैं तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट अच्छा आता है राई और जीरे से। मैंने थोड़ा जीरा भी ऐड किया है। राई और जीरा दोनों हो जाए तो गैस की फ्लेम स्लो कर दे। अब इसमें सबसे पहले 6 से 7 या अपने स्वाद अनुसार कटी हुई हरी मिर्च ऐड करें। जो लोग लहसुन खाते हैं वो 4 से 5 कली जितना लहसुन भी मिर्ची के साथ ऐड कर सकते हैं। एक बार इसे मिक्स कर ले। मिर्ची फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसमें 1 मीडियम साइज का कटा हुआ कैरेट ऐड करेंगे। आप प्याज खाते हैं तो 1 मीडियम साइज का प्याज भी कैरेट के साथ ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून चना दाल और 2 टेबलस्पून उड़द दाल ऐड करेंगे, जिसे मैंने साफ कपड़े से पोंछ लिया है। जब सब्जी का थोड़ा मॉइस्चर हो उसी टाइम पे दाल ऐड कर देनी है, नहीं तो दाल कड़क हो जाती है। 1 छोटा कैप्सिकम ऐड करेंगे। सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। करी पत्ता ऐड कर दे और गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है इस टाइम पे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, मैंने 1 टीस्पून जितना ऐड किया है। हमें इसे ज्यादा पकाना नहीं है इस टाइम पे। थोड़े मूंगफली के दाने मैंने ऐड किए हैं। अब जो पानी हमने गर्म करने के लिए रखा था वो भी गर्म हो चुका है। इस तरह का गर्म पानी हमें चाहिए। सब्जी या जो रोस्ट हो चुकी है उसमें मैंने सूजी ऐड कर दिया है, साथ ही में 1 टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को इस तरह से लास्ट में ऐड करने से उसकी स्किन अलग नहीं पड़ेगी। सूजी और वेजिटेबल अच्छी तरह से मिक्स कर दे। अब जो पानी हमने गर्म किया है वो हम ऐड करेंगे, तो आधा पानी मैं अभी ऐड कर देती हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने से कभी भी इसमें लम्स नहीं होंगे। एक बार का पानी जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब बाकी का पानी ऐड कर दे। जैसे हम सूजी के हलवे में गर्म दूध ऐड करते हैं उसी तरह से उपमे में गर्म पानी इस तरह से ऐड करे। पानी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो इसके ऊपर ढक्कन लगा दे और 5 मिनट के लिए इसे स्लो गैस पे पकने दे। 5 मिनट के बाद उपमा एक बार मिक्स कर ले। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया खिला खिला उपमा बनकर रेडी हो चुका है। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करें और थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे। उपमा को फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे।
आप चाहे तो इसी टाइम पे उपमा सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसे 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम देती हूँ, और तुरंत ही आपको सर्व करना है तो भी कर सकते हैं। तो मैं फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ, गैस मैंने बंद कर दिया है, सिर्फ इसे 5 मिनट ढककर स्टैंडिंग टाइम देना है। तो 5 मिनट के बाद उपमा मैंने नीचे उतार लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया उपमा बनकर रेडी हो चुका है। इसे मैं अब सर्विंग प्लेट में ले लेती हूँ। अब हमारा उपमा सर्विंग के लिए रेडी है। तो इसके गार्निशिंग के लिए मैंने धनिया ऐड किया है, इसके ऊपर काजू और मूंगफली जो हमने फ्राई किया था। अब ये उपमा सर्विंग के लिए रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम खिला खिला रहता है। आप चाहे तो इसे गर्म या ठंडा दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं। अगर आप इसे बना के लंच बॉक्स में देते हैं तो भी ये ठंडा होने के बाद भी ऐसा ही एकदम खिला खिला रहता है। तो एक बार इस तरह से उपमा बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।